क्यों उस दुखियारी को इल्जाम देती हो? वो तो तुम्हारी दुआएं लेने की खातिर, तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने की खातिर जीती रही, और तुम उसको हमेशा यूं ही धुतकारती रही। एक नजर ममता की नहीं दे सकती उसे? वो कितनी खिदमत करती रही है तुम्हारी, अरे इतना तो कोई सगी औलाद भी नहीं करती। जब वो दूर चली जाएगी ना, फिर याद करोगी उसे? मैं क्यों याद करूंगी उसे? मैं तो चाहती हूं वो हमेशा हमेशा के लिए यहां से दूर चली जाए। इसलिए तो ऐसा रिश्ता ढूंढा है मैंने, ताकि हमसे कोसों दूर चली जाए। ना वो यहां होगी और ना यहां आने का बहाना होगा। बस हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे साथ। मैं दुआ के सिलसिले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। फैसला तो हो चुका है शफीक अहमद, फैसला तो हो चुका है और तुम्हें मानना भी होगा। मैं बीबीए कर लूं, फिर इस घर से चली जाऊंगी। ना बीबी ना, पढ़ाई के नाम पे तुम जो गुलचर्रे उड़ाओगी ना, बदनामी मेरे ही हिस्से में आएगी। और वैसे भी मैं कोई गलत नहीं कर रही, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, इसलिए इज्जत के साथ दो जोड़ों में यहां से रुखसत हो जाओ। वैसे तुम्हें ये रिश्ता इतना क्यों खल रहा है? कहीं कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? देखिए दुआ और अजान जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।